सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। यूपी में 16 देश करेंगे निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले रोड शो के बाद 7.12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट प्रस्ताव मिले। मथुरा में बांके बिहारी दर्शन की नई गाइडलाइंस। मंदिर आने तक वन वे व्यवस्था। नए साल में 25 लाख श्रद्धालु के आने का अनुमान। एसटीएफ ने लखनऊ में प्रबंधकों से पूछताछ की। एडिशनल एडमिशन फर्जीवाड़े में 2 आयुष कॉलेजों के जुटाए साक्ष्य। अभ्यर्थियों से भी की गई बात। शादी के 3 दिन पहले दूल्हे के एक्सीडेंट में मौत। पेड़ के कटाई, टकराई बाइक, रास्ते में मौत। मृतक और 25 दिसंबर को होनी थी शादी। एमयू लॉन्च में छात्रों ने अधिवक्ताओं की से की है बदसलूकी। ओल्ड वॉयज लॉन्च में अधिवक्ता कर रहे थे कॉकटेल पार्टी। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा का 1 महीना पूरा। भिक्षा में आटा चावल नहीं, सनातन की एकजुटता का संकल्प मांग रहे आध्यात्मिक गुरु। भदोही में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सीएमओ ने की है बूस्टर डोज लगवाने की अपील। अस्पतालों में 108 बेड रिजर्व। वाराणसी का स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा। दीनदयाल अस्पताल होगा कोविड अस्पताल। सीरियस पेशेंट होंगे भर्ती बीएचयू में। सीपी ने मॉल और मार्केट में किया पैदल मार्च। आगामी त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अलर्ट रहने के निर्देश। सोनिया बनेंगी देश की पहली महिला फाइटर पायलट। पिता टीवी मैकेनिक, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गई, फिर भी इरादा नहीं बदला। अमरोहा में युवती के जलते शव की शिनाख्त। 2 दिन से लापता थी, परिजन बोले हत्या कर जला दिया। जांच के लिए टीमें गठित। ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल। विदेशी पर्यटकों की होगी जांच, अभी निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं। फतेहपुर में घर में युवक ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या। परिजन बोले पत्नी से हुआ था विवाद। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में पिल्लों को तालाब में फेंकने वाले पर मुकदमा। कार्रवाई में आड़े आ रहे हैं भाजपाई का वीडियो वायरल। दंपति बोले बच्चों ने पिल्ले फेंके। मुरादाबाद में जोमेटो डिलीवरी बॉय ने सुसाइड की कोशिश की। गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद कनपट्टी पर तमंचा सटाकर मारी गोली। कौशाम्बी में किसानों ने नहर सिर सफाई की खोली पोल। किसान नेताओं ने सिंचाई अफसरों को मौके पर बुलाकर दिखाई हकीकत। मनोज मुन्नतिसिर के बयान पर भड़के कांग्रेसी। प्रांजल तिवारी ने दर्ज कराई शिकायत। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की मांग। बच्चे की मौत पर डॉक्टर से मारपीट, तोड़फोड़। वाराणसी में हॉस्पिटल की सिक्योरिटी मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। छत से गिरकर घायल युवती की उपचार के दौरान मौत। बंदरों को भगाने छत पर गई थी युवती। स्थानीय लोगों ने बंदरों को पकड़वाए जाने की मांग की। वोटरों के जरिए खुद का मूल्यांकन करेगी आप। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की ओर से शुरुआत हो रहा है ऑपरेशन झाड़ू अभियान।
उन्नाव एसपी ने पुलिस लाइन सभागार में की है बैठक। कहा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें, चोरी लूट की घटनाएं रोकें। ललितपुर में एसपी ने किए तबादले। 13 फाटक चौकी इंचार्ज सहित 12 उप निरीक्षकों के हुए हैं तबादले। कानपुर व्यवस्था को लेकर लिया गया निर्णय। झूलेलाल पार्क में गार्ड रूम में लगी आग। मेला स्थल तक पहुंचने से पहले दमकल ने पाया आग पर काबू। बड़ा हादसा टला। कुशीनगर में स्कूटी सवार दो लोगों की मौत। महिला के ऊपर पूरी रात गुजरी गाड़ियां। छत विच्छत शव मिला, नहीं हो पाई शिनाख्त। बहराइच में भू माफिया गब्बर सिंह को भेजा गया फिरोजाबाद जेल। शिफ्टिंग से पहले भाई से कराई मुलाकात। दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। गोंडा में खंड विकास अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान। बोले पशुओं की नहीं है कोई व्यवस्था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना को लेकर एडीजी ने जारी किए निर्देश। बोले यूपी के सभी पुलिसकर्मी मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। श्रावस्ती में पड़ रही कड़ाके की ठंड से डीएम नेहा प्रकाश ने स्कूलों के खुलने का समय में किया बदलाव। सुबह 11 बजे से खुलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। औरैया में स्कूल में फीस जमा करने गए छात्र का बाइक सवार चार युवकों ने किया अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के से पिता से माफी मांगी फिरौती। अलीगढ़ में 2 साल के बच्चे ने नाले में गिरकर हुई है मौत। किडनैपिंग की आशंका से 2 घंटे तक बच्चे को ढूंढता रहा परिवार। अलीगढ़ में बेटी ने नीतू क्रिकेट अंडर 19 में खेलकर जिले का किया है नाम रोशन। जंग के मैदान में अब बेटियों को भी बराबरी का दर्जा। बुलंदशहर में पंचायत भवन के निर्माण के झबड़े को लेकर हुआ है विवाद। विवाद में निष्पक्ष जांच कराने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंचे लोग। फिरोजाबाद में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर से 32 लाख रुपए की हुई है चोरी। बचा हड़कंप। बुलंदशहर में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने को बुलंदशहर है तैयार। सीएमओ ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की है अपील। फिरोजाबाद जिला अदालत में साल 1993 में हुई हत्या के मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार। अस्पताल के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गाजियाबाद सेलिब्रेशन नंबर 2 बैंकिंग हॉल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गोंडा में मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर। गरीबों के लिए उपलब्ध होगी फ्री एम्बुलेंस सेवा। हमीरपुर में युवक ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम को मिली है बड़ी सफलता। संयुक्त टीम ने गोकशी करने वाले गिरोह के 14 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कृष्णानगर इंस्पेक्टर का सराहनीय कार्य। कृष्णानगर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने ठिठुरते लोगों को बांटे हैं कंबल। रायबरेली में लोडर और बाइक में हुए भिड़ंत। भिड़ंत में बाइक के उड़े हैं परखच्चे। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलौली गांव का है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ के विभिन्न जगहों पर ओवरलोड वाहनों का किया है औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण से
मचा हड़कंप। गर्भवती महिला को पीटा, पेट पर मारी लात। मेरठ में जमीन कब्जा करने आए थे बाप बेटे, खेल रही थी एक साल की मासूम को उठाकर पटका। रायबरेली में पुलिस लाइन में होने वाली परेड का पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने किया है निरीक्षण, ली सलामी। प्रयागराज में गार्डन एसोसिएशन ने की है बैठक आयोजित, एसोसिएशन ने पर्यावरण के प्रति लोगों को किया है जागरूक करने का लिया फैसला। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की उपस्थिति में लगाई गई है चौपाल। चौपाल में किसानों को किया गया जागरूक। संभल में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से की है शिकायत, साथ ही ग्रामीणों को दी कब्जा की दी चेतावनी। रायबरेली में बिजली के झूलते तारों की चपेट में आया युवक, तारों की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री व जिलाधिकारी ने डायलिसिस यूनिट का किया है लोकार्पण, लोकार्पण में जिला अधिकारी मनीष बंसल रहे मौजूद। अलीगढ़ में गाड़ी में आग लगाते हुए आरोपी हुआ सीसीटीवी में कैद, गाड़ी मालिक ने दी थाने में तहरीर, आग लगाते हुए लाखों का नुकसान। औरैया में कच्ची शराब को लेकर प्रशासन सख्त, प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, आबकारी टीम 500 लीटर लहन किया नष्ट। बुलंदशहर में चचेरे भाई ने अपने भाई का फावड़े से काटकर किया कत्ल, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। औरैया में युवकों के द्वारा असलाह लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, डीजे पर हाथों में असलाह लेकर युवक कर रहे थे डांस। चंदौली में चोरों में नहीं रहा पुलिस का खौफ, चोरों ने अड़ात से 70 बोरी अनाज पर किया हाथ साफ। लखनऊ में नगर निगम ने मार्ग प्रकाश विभाग की आउटसोर्सिंग, श्रमिकों ने किया है प्रदर्शन, वेतन ना मिलने से नाराज कर्मचारियों का कर रहे हैं प्रदर्शन। मथुरा के गोवर्धन में ताऊजी महाराज की शिला को किया गया है खंडित, ऐतिहासिक प्राचीन लुक ताऊजी मंदिर की शिला को तोड़ा। डीजीपी मुख्यालय से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, सभी पुलिस कर्मियों को मास्क लगाने के निर्देश, सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। मुख्तार अंसारी की ईडी स्पेशल कोर्ट में पेशी, पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड बढ़ी। प्रयागराज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माफिया डॉन हुआ पेश। लखनऊ से सीतापुर जा रहे धान भरे ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक पलटने से सड़क किनारे गुमटी में सो रहे दबे पिता पुत्र। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाई होर्डिंग में बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप। लखनऊ में बीजेपी लगा रही अटल स्वास्थ्य मेला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। देवरिया नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, नगर पंचायत प्रत्याशी अर्जुन शर्मा ने किया वादा, बोले अपने क्षेत्र में पर अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
माना सेंट मैरिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस डे बड़े हर्ष के और उल्लास के साथ मनाया गया। अध्यापकों व बच्चों, अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य से ने किया धन्यवाद। उन्नाव स्थित रुस्तम स्लाटर हाउस आईटी की छापेमारी। स्लाटर हाउस के लाइजनिंग मैनेजर तनवीर से चल रही है पूछताछ। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम ने दिए श्रद्धांजलि। योगी ने किसानों को ट्रैक्टर दिए, आरएलडी की मांग, किसान मसीहा को मिले भारत रत्न। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रैगिंग कांड में व्हाट्सएप चैट से नया खुलासा। हॉस्पिटल में रची गई थी साजिश। 3 दिन पहले पता चला था सीनियर मरेंगे। लॉ स्टूडेंट्स को कार सवारों ने मारी गोली। लखनऊ में नाम और पता ना बताने पर हुआ विवाद। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। हरदोई में पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन। दूसरी जगह ब्रिज बनाने की आशंका पर गुस्साए, आंदोलन की दी चेतावनी। नाराज ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को स्कूल में किया बंद। ग्रामीण बोले, सर्द रातों में भी फसल की करनी पड़ रही है रखवाली, जान खतरे में रहती है। सीडीपीओ कार्यालय में घूसखोरी। सुपरवाइजर ने तिरंगा देने के नाम पर 100 रुपए, डीएम ने सेवा समिति के दिए निर्देश। मेरठ जेल में बनाया गया हर्बल पार्क, बंदियों को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए जेल प्रशासन की खास पहल। इटावा में 20 लाख की अवैध शराब बरामद। कंटेनर से 5 अलग अलग ब्रांड की शराब मिली, अचालक परिचालक फरार। बलिया में 5 इंस्पेक्टर, 3 एसआई के कार्य क्षेत्र बदले। एसपी ने किया फेरबदल, 2 निरीक्षक लाइन हाजिर, 2 कांस्टेबल भी इधर से उधर। बहराइच में महिला सिपाही ने किया सुसाइड, कमरे में फंदे पर मिली लाश। उन्नाव की रहने वाली थी कांस्टेबल। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।